हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख रखा होगा कि हम पवन नोबल से डीएलएड की चतुर्थ सेमेस्टर की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम आज की वीडियो में सामाजिक अध्ययन यानी कि एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उन्हें देख लीजिएगा, क्योंकि 69 से पहले के सारे क्वेश्चंस हम दो वीडियोस में कवर कर चुके हैं, जो कि पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा 69। उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो विश्वनाथ जी का मंदिर है वो आपका वाराणसी में है। कहाँ पे? वाराणसी में। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर हो जाएगा अ। अगला क्वेश्चन है 70। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में ये स्थित है संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। अगला क्वेश्चन है महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थित है? देखो भाई, जो महर्षि वाल्मीकि आश्रम है वो एक जगह है बिठूर। कहाँ पर? बिठूर में स्थित है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन किए, तो दोनों महा धार्मिक जो सम्मेलन किए वो कहाँ के थे? वो कन्नौज और प्रयाग के थे। कहाँ के? कन्नौज और प्रयाग के थे। अगला क्वेश्चन, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है, तो कौन सा उत्सव? सुलह कुल उत्सव का जो आयोजन है, जो कि हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है, तो इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? आगरा में किया जाता है। कहाँ पे? आगरा में। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, तो प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह इनकी मजार पर मेला लगता है, तो वो कहाँ पे है? देवा शरीफ में। कहाँ पे? देवा शरीफ में। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? तो चौरी चौरा गोरखपुर में स्थित है। कहाँ पे? गोरखपुर में। आपको याद हो चौरी चौरा कांड हुआ था, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। अगला क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन है 77। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? किसकी याद में या किसकी स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक। जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालपी नगर जो है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे? यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन 79। विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है, तो विख्यात भारत माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। कहाँ? वाराणसी में स्थित है। तो विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया, तो एल्फ्रेड पार्क जो है उसका जो पुनः नामकरण, उसका जो नाम बदल के रखा गया है वो क्या रखा गया है? चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। किसके नाम पर? चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित इसमें से नहीं है? देखो वृंदावन मंदिर तो सबको पता है मथुरा में है। जेके मंदिर लखनऊ में है? जी नहीं, जेके मंदिर लखनऊ में नहीं है। आप कमेंट करके बताएंगे कि जेके मंदिर कहाँ पर है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जेके मंदिर लखनऊ में नहीं है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है और देवी पाटन मंदिर मुलसीपुर में है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन, किस तिथि को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी? तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 की क्रांति के दौरान मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ये क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1942 ईस्वी में
भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। अगला है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो आपका चंपारण में जो नील की खेती के लिए आंदोलन हुआ था, तो वो सबसे पहला आंदोलन था। ठीक, उसके बाद है 85, थियोसोफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध रहा है? तो होम रूल लीग से। जी हाँ, होम रूल से थियोसोफिकल सोसाइटी का बहुत ही विशेष संबंध रहा है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर पूछ लिया जाता है। तो वायुमंडल का भार सर्वाधिक शोभ मंडल में होता है। कहाँ पे? शोभ मंडल में। अगला है, भारत के उत्तरीय राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है? तो पर्वतीय होती है। कैसी? पर्वतीय होती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन से पेयजल परियोजना नहीं है? इनमें से कौन सा पेयजल परियोजना नहीं है? तो आपका ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना जो है, वो उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से पेयजल परियोजना नहीं है। अगला प्रश्न है 89, उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिया सलाई उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ पर है? बरेली में। कहाँ पर? बरेली में। अगला क्वेश्चन 90, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोकगीत है वो है आपका ये विरह। कौन सा? विरह लोकगीत है। ठीक, दिया सलाई कहाँ पर है? बरेली में, और उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है विरह। अगला क्वेश्चन है, 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की दशकीय वृद्धि कर रही है? तो आपकी 20.09% की वृद्धि रही है 2001 से 2011 की जनगणना में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्व प्रमुख कारण क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का जो मेन कारण है वो है देश की विशाल जनसंख्या। जी हाँ, देश की विशाल जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है 93, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी आपकी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। कब? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। अगला है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद होता है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की जो गारंटी है वो अनुच्छेद 21 देता है। कौन सा? अनुच्छेद 21 देता है। अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत माला की सर्वोच्च चोटी है? तो हिमालय पर्वत माला की जो सर्वोच्च चोटी है वो है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, एवरेस्ट। एवरेस्ट की जो चोटी है वो हिमालय पर्वत माला की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो खनिज संपदा जो है वो किसी स्थान के विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करती है। अगला क्वेश्चन, लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो लखनऊ में जो बेगम हजरत महल है, इन्होंने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन, राजा कुंवर सिंह संबंधित थे? तो राजा कुंवर सिंह जो संबंधित थे वो थे जगदीशपुर से। कहां से? जगदीशपुर से वो संबंधित थे। अगला क्वेश्चन 99, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट 100 करेंगे आज हम, सत्यार्थ प्रकाश रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो रचना है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती की। किसकी? स्वामी दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश रचना है। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज।